हाइपरीमिया और कंजेशन में क्या फर्क है? दोनों चीजें हैं, दोनों के अंदर क्या होता है, टिश्यू के अंदर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, लेकिन दोनों क्या है, डिफरेंट चीजें हैं। जो हाइपरीमिया है वो क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है, यानी कि उसके अंदर एनर्जी यूटिलाइज होती है बॉडी, ठीक है, एटीपी का ब्रेकडाउन होता है, उससे क्या होता है, आर्टेरियोलर डायलेटेशन से होती है, इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। तो अपेयरेंस कैसी होगी फिर इसकी? जी, आर्टेरियोलर ब्लड ज्यादा आ रहा है। हम बचपन से देखते आए हैं कि हमारी बुक्स में ना आर्टरी का कलर जो होता है वो रेड बनाया होता है और वेन का कलर जो होता है वो ब्लू बनाया हुआ होता है। तो यहाँ पर आर्टरीज वाला पोर्शन डायलेट कर रहा है, तो अपेरेंस कैसी होगी जहां पर हाइपरीमिया हुआ होगा? बोलो भाई, मीकू कौन है? एक तो इन्होंने नाम बड़ा अजीब सा रखा हुआ है, ये भी नहीं पता कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं हो पाती। जी मीकू, मीकू जवाब देगा, कौन है, देगा या देगी? हाँ जी मीकू, आपसे जवाब चाहिए मुझे। नहीं, चले भाई, गुड नाइट, सोते रहे, सोते रहे जो भी है, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा, रेडिश हो जाएगी। दूसरा क्या है, जो कंजेशन होती है दैट इज अ पैसिव प्रोसेस एंड दिस इज ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन टू द वीनस लेटर। और वीनस ब्लड के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन कम होती है तो वो ब्लूइश होता है, तो आपका जो है वो जो टिश्यू होगा वो जो साइनोज होगा, जो सॉरी जो कंजेशन होगी, जो कंजेस्टेड होगा आपका टिश्यू, वो क्या होगा, आपका रेडिश ब्लूइश व्यू देगा वो आपको, ठीक हो गया। उसके बाद कंजेशन में लीड टू ये दूसरी बात होती है, ठीक है। यानी कि हाइपरीमिया क्या है, एक्टिव प्रोसेस है, इसके अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है और जो टिश्यू होता है वो रेडिश अपेयर होता है। जो कंजेशन है दैट इज एन पैसिव प्रोसेस, इसके अंदर वीनस रिटर्न जो है वो क्या होता है, कम होता है और ऑब्स्ट्रक्शन हुई होती है वहां पर, वो टिश्यूज जो है वो क्या होंगे, आपको ब्लूइश नजर आएंगे और बस। क्लियर है हाइपरीमिया और कंजेशन भी? अच्छा जी, अगर वो कहता है कि यहाँ पर ना एक और दो बड़ी मजेदार चीजें हैं, ठीक है, क्रॉनिक, आप अगर ऊपर देखो तो मैंने लिखा हुआ है क्रॉनिक लॉन्ग स्टैंडिंग कंजेशन, ठीक है, तो उसके ना उसके रिलेटेड दो बड़ी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल चीजें हैं जो आपसे पूछते हैं, हार्ट फेलियर सेल्स और नटमेग लिवर, ठीक है। अगर लॉन्ग स्टैंडिंग कंजेशन हो किसी ऑर्गन की, बेसिकली दो ऑर्गन को हम मेजरली एड्रेस कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या एक लिवर है और एक है हार्ट फेलियर सेल। अब हार्ट फेलियर सेल से आपको लग रहा होगा कि हार्ट के अंदर ये सेल्स होंगे, नहीं, हार्ट फेलियर सेल्स जो होते हैं ये आपके पड़े होते हैं लंग्स के अंदर, ठीक है। हार्ट फेलियर सेल्स, मैंने एंड पे पूछना है आपसे, सबसे गौर से सुने, हार्ट फेलियर सेल्स कहाँ पे पड़े होते हैं, लंग्स के अंदर। अब होता क्या है कि जब एक लंबे अरसे तक कंजेशन हुई हुई है, ठीक है, तो कंजेशन की वजह से क्या हुआ है, आपकी जो वीनस फ्लो जो है वो ऑब्स्ट्रक्टेड है, ठीक है, तो पीछे आपका रिट्रोग्रेड प्रेशर जो है कैपिलरीज पे, ठीक है, क्योंकि वीनस पोर्शन के अंदर जो सबसे छोटी चीजें होती हैं वो वेन्यूल्स होती हैं, और वेन्यूल्स जो होती हैं पीछे मिली हुई होती हैं कैपिलरीज से। जब वेन्यूल्स के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा आपका, ठीक है, तो पीछे क्या होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, तो कैपिलरीज के अंदर प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ लंग्स के अंदर, ठीक है, तो लंग्स की कैपिलरीज के अंदर का प्रेशर बढ़ा, जब प्रेशर बढ़ा तो अल्टीमेटली वो क्या करेंगी, वो रप्चर कर जाएंगी, वो रप्चर करेंगी तो अंदर से क्या निकलेगा बताओ, कैपिलरीज रप्चर करेंगी क्या निकलेगा? ब्लड निकलेगा, शाबाश, आरबीसी, जी बिल्कुल, ब्लड निकलेगा, ठीक है। और ब्लड में मेजरली आरबीसी होते हैं, तो आरबीसी के अंदर क्या होती है, जब वो आरबीसी वहां पर बाहर आ जाएंगे वास्कुलेचर से, वो वहां पर हो जाएंगे उनकी हिमोलिसिस हो जाएगी वहां पर, वो यानी कि रप्चर हो जाएंगे, उसमें से निकलेगी हीमोग्लोबिन, उसको इंजेस्ट कर लेंगे आपके लंग्स के अंदर पड़े हुए जो मैक्रोफेजिस हैं, और उसके अंदर जो है ना वो हीमोसिड्रिन जो हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है वो अकोमोडेट हो जाएगा, और उसे हम कहते हैं हार्ट फेलियर सेल्स।
हार्ट फेलियर सेल्स, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि ये मैक्रोफेजिस हैं लंग्स के अंदर पड़े हुए, जिन्होंने हीमोसिड्रेन को अपने अंदर समाया हुआ, ठीक है। और वो पूरी कैसे चलती है कहानी, वो ये है कि आपकी कंजेशन हुई, वेन्यूल्स में ब्लॉकेज आया, कैपिलरीज रप्चर की, ब्लड बाहर आया, ब्लड में आरबीसी से आरबीसी की हिमोलिसिस हुई, हीमोग्लोबिन बाहर आए, हीमोग्लोबिन का मेटा ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होता है हीमोसिड्रेन, वो एनगल्फ कर लेते हैं, क्या नाम है, आपके मैक्रोफेजिस इन द लंग्स, तो वहां से बन जाते हैं हार्ट फेलियर सेल्स। क्लियर हुई है ये बात, जिसको नहीं क्लियर हुई तो बताओ, मैं दोबारा कर देता हूँ रिपीट। हार्ट फेलियर सेल्स क्लियर हो गए हैं बच्चों, क्लियर, गुड, ठीक है। असर तुम्हें हुए हैं, चलें। उसके बाद दूसरी चीज होती है नटमेग लिवर। चलो मैं आपको हार्ट ये देखें, ये आपकी क्या है, ये जो जिन्होंने ये जो ब्राउन ब्राउन चीजें है ना, ठीक है, ये आपकी हीमोसिड्रन लेडन क्या है, यानी कि हीमोसिड्रन से भरे हुए मैक्रोफेजिस हैं, ये आपके हार्ट फेलियर सेल्स, और ये कहाँ होते हैं, लंग्स के अंदर, ठीक है। तो ये बताओ ये क्या चीज है, किसी को पता है, किसी को कोई कुकिंग में इंटरेस्ट हो, हाँ जी, बेसिकली मैक्रोफेजिस ही है। ये बताएं जो स्क्रीन पे आपको क्या नजर आ रहा है, इसको तो है कुकिंग में इंटरेस्ट, छालिया लग रही है, नहीं बच्चे छालिया नहीं है, हाँ जी कोई और गैस करें, अखरोट, चले आपको ये वाले, ये सियालकोट में यही अखरोट मिलते होंगे, है नहीं बच्चे, ये अखरोट भी नहीं है, मैं वही पूछ रहा हूँ, किसी को किचन में जाने का कोई शौक हो, कोई अम्मी के साथ काम करवाता हो, यस शाबाश, ये आए ना, अब हमारे शेफ्स आए हैं, सादिया शरीफ, और कौन है उनसे ऊपर, जायफल, ये वर्ड मैं सुनना चाह रहा था, बिल्कुल बेहतरीन हो गया, जिसे हम कहते हैं जायफल। तो नटमेग बेसिकली यही होता है, किसी ने ऊपर स्पाइस का भी नाम लिखा था, वो भी ठीक थे जो भी थे, चैट ऊपर ही देख जाए, ठीक है। अब देखिए आप इसका कट सेक्शन देखें कि कहीं से ये ब्राउन है, ठीक है, और कहीं से ये जरा पेलिश पेलिश है, तो इसी तरह ये होता है नटमेग, ठीक है, या जायफल, अखरोट नहीं है बच्चे, जो भी थे, क्या नाम है, सॉरी माइंड भी ना कीजिए, जो सियालकोट वाली जो हमारी बच्ची है, ठीक है। नटमेग लिवर के अंदर भी अगर आप देखें तो अब आपको नजर आ रहा होगा कि कुछ डार्किश एरिया है और कुछ पेल एरिया है, अगेन जैसे बिल्कुल सेम ये थी ना कि डार्क और वाइटिश जो एरिया है वो आपका अल्टरनेट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह नटमेग लिवर के अंदर भी यही होता है, अगेन वही पैथोलॉजी वही है कि क्रॉनिकली आपकी कंजेशन हुई हुई है ड्यू टू एनी रीजन लिवर की, ठीक है, तो क्या होगा, सेंट्रल एरिया के अंदर कंजेशन हुई हुई होगी और इर्द गिर्द के एरिया, और फिर वहां पे नेक्रोसिस वगैरह, और नेक्रोसिस हो गई तो वो एरिया क्या हो जाता है, पेल हो जाएगा, और इर्द गिर्द वाला क्या एरिया होगा, रेड कलर का होगा, ज्यादा डार्क कलर होगा उसका, ठीक है। नटमेग लिवर का पता चल गया ड्यू टू आप, इसकी काजेज क्या क्या है, हार्ट फेलियर या बेसिकली आपका वो जो होता है ना पोर्टल हाइपरटेंशन वगैरह की, अगर जो आप काजेस पढ़े तो उसके अंदर ही आपका बेसिकली आ रहा होता है, इसके अंदर क्या होता है, आपकी क्रोनिक कंजेशन हुई हुई होती है लिवर की, ठीक है, तो उसकी वजह से ये वाली स्पेसिफिक जो जायफल की तरह की अपेयरेंस आती है इस कट सेक्शन पे, उसे हम कहते हैं नटमेग लिवर, ठीक है। अब इसकी सिम्टम्स क्या होती है, ये हमारा कंसर्न नहीं है, ठीक है, अभी फिलहाल आपको ये क्लियर हो गया, ये बताओ बच्चों नटमेग लिवर हम कहते हैं क्यों है इसको, जी बच्चों क्लियर हुआ है कि कंजेशन होती है,
की वाले एरिया के अंदर अगेन नेक्रोसिस हुई, इर्द गिर्द वाले के एरिया के अंदर क्या होता है ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाता है, तो सेंट्री लोबार एरिया आपका क्या होता है यानी कि जो सेंटर वाला एरिया होता है वो आपका डिप्रेस होता है और टैन होता है, और इर्द गिर्द वाला क्या होता है वो हाइपरिपिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक